Assalamu alaikum. In the last section, we discussed about the pathology of the penis and the testicular things. And you should know after that lecture what is the epispadias, hypospadias, condyloma, acuminatum, lymphogranuloma venerum, squamous cell carcinoma, cryptorchidism. इसके अलावा हमने देखा था ऑर्काइटिस, टेस्टिकुलर टॉर्जन, वेरिकोसील, हाइड्रोसील. अब इन टर्म्स को जैसे ही आपने अपने माइंड में लेके आना ना, तो आपके माइंड में वो चीज़ आनी चाहिए एग्जैक्ट कि उसमें क्या चीज़ थी, मैंने क्या पढ़ा था. और आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इस तरह का आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट. ठीक है, उसके बाद आता है टेस्टिकुलर ट्यूमर्स. टेस्टिकुलर ट्यूमर्स जो है, अगर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ट्यूमर्स, ओवेरियन ट्यूमर्स पढ़े हैं, तो भी टेस्टिकुलर ट्यूमर्स आर सो ईजी टू रिमेंबर. ठीक है, बिकॉज टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में ना सर्फेस एपिथीलियर ट्यूमर्स नहीं होते. इसमें कौन से ट्यूमर्स होते हैं? इसमें जर्म सेल्स और सेक्स कॉर्ड ही होते हैं. तो इसमें जो ट्यूमर्स होंगे वो जर्म सेल्स और सेक्स कॉर्ड से ही राइज करेंगे. ठीक है, और ये क्या होंगे? फर्म होंगे, पेनलेस होंगे, टेस्टिकुलर मास की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, और ट्रांसल्यूमिनेट नहीं होंगे. इसकी करेक्टरिस्टिक होती है, पीछे हमने हाइड्रोसील देखा था, उसमें ट्रांसल्यूमिनेशन हो रही थी. लेकिन टेस्टिकुलर ट्यूमर जो होते हैं, ये भी मास की फॉर्म में एक्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोसील होती है वैसे ही. लेकिन जैसे हम ट्रांसल्यूमिनेशन करते हैं, तो उसमें से लाइट जो है वो पास नहीं होती, जिससे हमें पता चल जाता है दिस इज़ नॉट हाइड्रोसील, दिस इज़ एक्चुअली अ मास. टेस्टिकुलर मास मे कंटेन द कैंसर. ओके, उसके बाद कहते हैं यूजली नॉट बायोप्सीड. इसको बायोप्सी भी नहीं हम करते. क्यों? क्योंकि जब हम बायोप्सी के लिए अंदर वो डालेंगे सैंपल लेने के लिए, तो क्या होगा कि वो जो टेस्टिक्यूलर ट्यूमर है ना, तो वो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से स्क्रॉटम बाहर की तरफ उसकी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी, तो वो स्प्रेड कर सकता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेडिकल और जो है ऑर्किएक्टमी करते हैं, जिससे हम उसको रिमूव करते हैं टेस्टिस को. ठीक है, मोस्ट टेस्टिक्यूलर ट्यूमर जो होते हैं वो मेलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं. अब डिफरेंस हमने करते जाने, जो पहला हमने डिफरेंस देख लिया कि जो ओवेरियन ट्यूमर्स थे उनमें सर्फेस एपिथेलियल ट्यूमर्स है थे, यहाँ पे नहीं है. ठीक है, दूसरा ये था कि ओवेरियन ट्यूमर्स में सबसे मोस्ट कॉमन जो थे वो सर्फेस एपिथेलियल ट्यूमर्स थे. टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में मोस्ट कॉमन कौन से हैं? मेलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर्स हैं. ठीक हो गया, अब जो जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं ना, मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर्स होते हैं. ठीक है, और ये कौन सी 95% केसेस में होते हैं, और 15-40 ईयर्स ऑफ एज में होते हैं. ठीक है, रिस्क फैक्टर्स इनके क्या हैं? क्रिप्टोकॉर्टिज्म. क्रिप्टोकॉर्टिज्म क्या होता है, ये आपके माइंड में अभी साथ ही फ्लैशबैक करना चाहिए कि टेस्टिस जो है वो डिसेंड नहीं करेंगी. और मैंने आपको बताया था कि उसमें हमारे पास स्टेमिनोमास का रिस्क बढ़ जाता है. और के लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो मेल्स होते हैं वो तो वैसे ही एब्नॉर्मल किस्म के होते हैं, तो उनमें भी रिस्क ज़्यादा हो जाता है. अब इसको जो हम डिवाइड करते हैं ना, सेमिनोमास को, सॉरी जर्म सेल ट्यूमर्स को, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सेमिनोमास एंड नॉन सेमिनोमास. ठीक है, अब सेमिनोमास होते सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है. ठीक है, लेकिन इनका फ़ायदा ये होता है सेमिनोमास के, कि अच्छे वाले ट्यूमर्स होते हैं. ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया कि जब आप दो चीज़ों को डिस्टिंग्विश करें ना, जैसे हमने देखा था नॉन हॉजकिन, हॉजकिन, तो उसमें मैंने आपको बताया था नॉन हॉजकिन ज़्यादा खतरनाक है. तो इसी तरह आप खतरनाक को सिलेक्ट किया करें, कि इसमें सेमिनोमास होते हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन सेमिनोमास. ठीक है, नॉन सेमिनोमास ज़्यादा खतरनाक होंगे. क्यों? इनकी कैटेगरीज देखें, इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स देखें, कि सेमिनोमास जो है ये रेडियोथेरेपी को रिस्पॉन्सिव होते हैं, होते कॉमन है. ठीक है, लेकिन रेडियोथेरेपी को कॉम्पनाइज रिस्पॉन्सिव होते हैं, मेटास्टाइज भी लेट करते हैं, और इनका प्रोग्नोसिस बहुत एक्सेलेंट है. ठीक है, जबकि नॉन सेमिनोमास जो होते हैं ये ट्रीटमेंट को इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते और जल्दी मेटास्टाइज कर जाते हैं. ठीक है, तो सेमिनोमा इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर. सबसे पहले हम सेमिनोमा की बात करते हैं. इट्स अ मेलिग्नेंट ट्यूमर जिसमें क्या होंगे, बड़े बड़े सेल्स होंगे. ये सेम वही होगा डिस्टर्मिनोमा, याद है जिसमें मैंने बताया था फ्राइड के पेरेंट्स के सेल्स होते हैं, बिल्कुल दरमियान में न्यूक्लियस होता है और बाकी सारा साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर होता है, तो वो फ्राइड के पेरेंट्स दे रहे होते हैं. और डिस्टर्मिनोमा के बिल्कुल अपोजिट क्या है, सेमिनोमा ऑफ द टेस्टिस है. ठीक है, जर्म सेल ट्यूमर्स हैं दोनों ऑब्वियसली. ठीक है, तो इसमें भी लार्ज सेल्स होंगे, क्लियर साइटोप्लाज्म वाले, सेंट्रल न्यूक्लियर वाले. ठीक है, ये होमोजेनस मास बनाते हैं, क्योंकि ये ना सेमिनोमास जो होते हैं ये इतने एग्रेसिव नहीं होते. मैंने आपको बताया अच्छे वाले ट्यूमर्स हैं सेमिनोमास और अच्छे वाले ट्यूमर्स. ठीक है, तो इस वजह से इनमें ना हेमरेज होता है ना नेक्रोसिस होता है, मासूम से होते हैं बेचारे. मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर्स होते हैं, और किससे रिजेंबल करते हैं, ओवेरियन डिस्टर्मिनोमास है. कभी कभार ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन रिलीज कर रहे होते हैं. ठीक है, तो अभी हमने देखा था कोरियोकार्सिनोमा, और उसमें देखा था कि HCG हार्मोन रिलीज हो रहा था. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो यहाँ पे भी ये भी कभी कभार, हमेशा नहीं,
इट्स जी रिलीज करे होते हैं, गुड प्रोग्नोसिस होता है, एक्सीलेंट रिस्पॉन्ड टू द रेडियोथेरेपी होता है. नेक्स्ट इज अ इम्ब्रोनल कार्सिनोमा. अब जो इम्ब्रोनल कार्सिनोमा होता है ना, ये अभी हम आ गए हैं जर्म सेल ट्यूमर्स की कैटेगरीज जो सेमिनोमास के ऑपोजिट है. ठीक है, मतलब जर्म सेल्स में मैंने आपको बताया ना सारे बच्चों वाले ट्यूमर्स होते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था कि यू हैव टू रिमेंबर द निमोनिक सीटी. ठीक है, सीटी आपने निमोनिक याद रखना है, साइट या सीटी जिस तरह भी आप याद कर सकते हैं. सी फॉर कोरियोकार्सिनोमा, वाई फॉर यॉर्क सैक, टी फॉर टेराटोमा, ई फॉर एम्ब्रोनल कार्सिनोमा, ये सारे जर्म सेल्स में आते हैं. ठीक है, और जो मतलब जर्म सेल्स इन केस ऑफ फीमेल्स एज वेल एज मेल्स. ठीक है, लेकिन जो सेमिनोमा है और डिसजर्मिनोमा है वो अलग से आपने याद कर लेना है. ठीक हो गया. एम्ब्रोनल कार्सिनोमा जो है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जिसमें इमेच्योर प्राइमेटिव सेल्स होते हैं जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. ठीक है, इमेच्योर प्राइमेटिव सेल्स क्यों होंगे, क्योंकि ये एम्ब्रोनल है, तो एम्ब्रोनल की जो चीज़ें होती हैं वो इमेच्योर सी वो शुरू शुरू वाली चीज़ें होती हैं. इस वजह से यहाँ पे भी हमें इमेच्योर प्राइमेटिव सेल्स मिलेंगे, जिसमें ग्लैंड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, हो भी नहीं सकते. ठीक है, अब ये हमारे पास खतरनाक वाले आ गए हैं, नॉन सेमिनोमा मैटर्स है ना, सेमिनोमास तो नहीं है ये ड्रोने वाले खतरनाक वाले हैं. तो हेमरेज मैस हो, हेमरेजिक मैस होगा नेक्रोसिस के साथ. ठीक है, और ये अग्रेसिव होते हैं, शुरू शुरू में ही ब्लड के थ्रू ये फैल जाते हैं. कीमोथेरेपी जो है उसे मे रिजल्ट इन डिफरेंशिएशन इनटू अदर टाइप ऑफ जर्म सेल ट्यूमर टेराटोमा. ठीक है, कि जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो ये है कि इसकी डिफरेंशिएशन हो जाती है टेराटोमा के अंदर. इसमें क्या होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो इंक्रीज होती है, और कभी कभार ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोफिन भी हो सकती है. ठीक हो गया. उसके बाद आता है हमारे पास यॉर्क सैक ट्यूमर. यॉर्क सैक ट्यूमर का दूसरा नाम भी आपने याद रखना है कि एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर. और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपके माइंड में यॉर्क सैक आया, साथ ही आपके माइंड में एक बॉडीज आनी चाहिए, शिराडुअल बॉडीज. और शिराडुअल बॉडीज़ का जैसे ही आपके माइंड में फ्लैश आ रहा है, ठीक है, साथ ही आपके माइंड में आना चाहिए, आपके माइंड को पता होना चाहिए कि उसके अंदर हमें ग्लोमेरुलाए लाइक सेल्स मिलते हैं. ठीक है, ग्लोमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जो कि हमें एस्ट्रोलॉजी पे नज़र आते हैं. ठीक है, और इसमें क्या होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन एलिवेटेड होती है. अल्फा फीटोप्रोटीन एलिवेटेड होती है. ठीक हो गया, अल्फा फीटोप्रोटीन एलिवेटेड होती है. ये हमने देखा था कि यॉर्क सैक में यही होता है. ठीक है, बच्चों का ये ट्यूमर है, ऑब्वियसली थोड़ा यॉर्क सैक वाला है, तो बच्चों में ही कॉमन होगा. डिसजर्मिनोमा और सेमिनोमा एक जैसे लग रहे हैं, अगर पीछे आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाली पैथोमा से निकाल के पिक्चर देखें तो सेम वही है. ठीक है, फ्राइड एग लाइक अपेरेंस है सबकी. ठीक है, और ग्रॉस अपेरेंस में हमें जो है वो इस तरह से डिसजर्मिनोमा सॉरी सेमिनोमा नज़र आता है. अच्छा, उसके बाद आ जाता है जर्म सेल ट्यूमर में कोरियोकार्सिनोमा, फिर हम देखेंगे टेराटोमा, और फिर लास्टली हम मिक्स जर्म सेल देखेंगे. अच्छा, कोरियोकार्सिनोमा का जैसे ही आपके माइंड में आना चाहिए, तो दूसरे नंबर पे आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए, सिंस्टियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, जिनमें विलाय नहीं होंगे, क्योंकि ये कोरियोकार्सिनोमा प्लस सेंट्रल टिशू वाला नहीं है. ठीक है, वहाँ पे होगा वो. अच्छा, और उसमें हमने देखा था कि कोरियोकार्सिनोमा वाज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द हाइड्रेटिफॉर्म मोल. ठीक है, जो कंप्लीट मोल होता है उसमें हमारे पास इंक्रीज रिस्क होता है कोरियोकार्सिनोमा का. ठीक है, अब ये जो होता है ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड करता है, और मैंने आपको बताया था कि इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये होते बहुत छोटे से हैं. कोरियोकार्सिनोमा बिल्कुल भी मैस, देखो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी को टेस्टिकुलर ट्यूमर्स है, टेस्टिकुलर मैस बनेगा ना उससे पता चलेगा. अब कोरियोकार्सिनोमा इतने तेज़ होते हैं ना, ये अपने आप को शो ही नहीं करते, मतलब कि ये मैस ही नहीं बनाते, छोटा सा ऐसे, मतलब छोटा सा ऐसे होगा ये, और ऐसे साथ ही स्प्रेड करेगा, ये इसका होता है. ठीक है, तो स्प्रेड अर्ली वाया ब्लड. ये है भी नॉन सेमिनोमेटस तो वैसे ही बड़े खतरनाक है. तो इनके अंदर क्या होता है, HCG होती है. ठीक है, जो सेमिनोमास भी कभी कभार रिलीज कर रहे होते हैं, और हमने देखा कि जो है सेमिनोमास रिलीज़ कर रहे होते हैं, कभी कभार एम्ब्रोनल कार्सिनोमास भी रिलीज़ कर रहे होते हैं. तो कोरियोकार्सिनोमा तो वैसे ही जो है एलिवेट रखते हैं, अपने सिंस्टियोट्रोफोब्लास्ट से रिलीज़ हो रहे होते हैं. अच्छा, अब इसके साथ साथ ना क्या होता है कि जो HCG होता है ना, इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ FSH, LH और TSH. तो उसमें ना कभी कभार FSH एलिवेट होगा, LH एलिवेट होगा, तो फीमेल्स के अंदर जो है वो गायनोकोमेस्टिया फीमेल्स वाली चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, और अगर TSH रिलीज होगा तो हाइपरथायरॉइडिज्म होना शुरू हो जाएगा. ठीक हो गया, तो ये उसके साथ एसोसिएटेड होता है. फिर टेराटोमा की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, मेच्योर फीटल टिश्यू होता है जो एम्ब्रियोनल लेयर से राइज करता है. अब टेराटोमा जो होता है ये मैंने आपको बताया था कि ये इमेच्योर हो सकता है, इमेच्योर हो सकता है, ये स्पेशलाइज्ड टाइप का हो सकता है.
ठीक है, मेच्योर में आपको सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं, हेयर, बोन, स्किन, कार्टिलेज एक्सेट्रा. इमेच्योर में आपको समझ नहीं आ रही होती, वे इमेच्योर एलिमेंट्स होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कौन सा बाल है, कौन सा कान है, कान तो नहीं, कौन सा बाल है, कौन सा कार्टिलेज है, कौन सा बोन है एक्सेट्रा. ठीक है, और जो स्पेशलाइज टाइप का होता है उसमें हमने जो फीमेल्स के केस में देखा था वो थायरॉयड टिशू था, जो स्ट्रोमा ओवरी आई था. ठीक है, तो यहाँ पे मेच्योर फीटल टिश्यूज़ होते हैं जो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन तक, जो एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, तीनों लेयर से कॉम्पोनेंट्स में आते हैं. अब ये डिफरेंस देखें यहाँ पे ज़रा, फीमेल्स में जो टेराटोमा था ना वो बिनाइन था, मेल्स के अंदर ये मेलेग्नेंट है. ठीक हो गया, इसमें क्या होता है, AFP और HCG वो इंक्रीज़ हो सकते हैं. AFP नॉर्मली किसका था, यॉर्क सैक का था. HCG नॉर्मल किसका था, कोलियोकार्सिनोमा का था. लेकिन टेराटोमा में AFP और HCG जो होते हैं वो एलिवेट हो सकते हैं. ठीक है, अच्छा, उसके बाद मिक्स जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं, ये मिक्स्ड होंगे और इनका प्रोग्नोसिस जो होता है वो वर्स्ट कॉम्पोनेंट पे होता है. मींस वर्स्ट कॉम्पोनेंट याद है वो, बल्कि अभी हमने प्रोस्टेट पढ़ना है और रॉबिन्स में अगर आपने पढ़ा होगा कि दो पैटर्न्स होते हैं ना, ये आपकी स्लाइड है, तो अगर इसके अंदर एक कॉम्पोनेंट सेमिनोमा का है, दूसरा नॉन सेमिनोमास का है, तो जिसका कॉम्पोनेंट ज़्यादा होगा ना, फॉर एग्जांपल हम अच्छे वाले को ज़्यादा कर देते हैं सेमिनोमास, फॉर एग्जांपल सेमिनोमास अगर ज़्यादा है, नॉन सेमिनोमास कम है, तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा. ठीक हो गया, वाइस वर्सा. ठीक है, उसके बाद आते हैं सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स. सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स होते हैं, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल टिश्यूज से रिजेम्बल कर रहे होते हैं ऑफ द टेस्टिकल, ये यूजली बिनाइन होते हैं. इसमें आते हैं हमारे दो तरह के, लेडिक सेल ट्यूमर्स और सर्टोली सेल ट्यूमर्स. ठीक है, लेडिक सेल ट्यूमर्स जो होते हैं एंड्रोजन रिलीज कर रहे होते हैं, एंड्रोजन जब बहुत अगर जल्दी रिलीज होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, प्यूबर्टी जल्दी आ जाएगी, तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इन द चिल्ड्रन. और अगर अडल्ट के अंदर ये वाला ट्यूमर होगा तो एंड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से गायनेकोमास्टिया शुरू हो जाएगा. ठीक है, करेक्टरिस्टिक इसमें हमेशा लेडिक सेल जब भी आएगा, फीमेल में हो या मेल में हो, जब भी आएगा तो एक तो वो एंड्रोजन ज़्यादा रिलीज कर रहा होगा, ये आपके माइंड में आना चाहिए. पॉइंट्स की फॉर्म में याद, की फॉर्म में याद क्या करें कि ये ट्यूमर है, इसके इसको सोचते हुए मुझे साथ ही आएगा, हाँ मतलब हाफ कह रही हूँ, साथ ही मेरे माइंड में आएगा. ठीक है, तो लेडिक सोचा, साथ ही माइंड में क्या आना चाहिए, दूसरी पॉइंट, एंड्रोजेंस बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे होंगे, और एंड्रोजेंस के इफेक्ट्स तो वैसे ही आपको याद करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपके आपके माइंड में आना चाहिए वो क्या है, कि रिंकीज क्रिस्टल होते हैं इसमें, हिस्टोलॉजी में हमें मिलते हैं. ठीक है, उसके बाद सर्टोली सेल जो होता है ये इसके अंदर ट्रब्यूल्स होते हैं और ये क्लिनिकली साइलेंट होता है. ठीक है, एज फॉर सर्टोली एज फॉर साइलेंट, इट्स ए क्लिनिकली साइलेंट ट्यूमर. फिर आता है लिम्फोमा. लिम्फोमा जो होता है ये हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज है टेस्टिकुलर मास का. अब देखें टेस्टिकुलर मैस से ज़रा, टेस्टिकुलर मैस हमने देखा था हाइड्रोसील का, देखा था ना, ट्रांसल्यूमिनेशन करके देखा, पता चल गया हाइड्रोसील है, ट्रांसल्यूमिनेशन हो रही थी, नहीं हो रही थी, हम आ गए टेस्टिकुलर ट्यूमर्स की तरफ. और दूसरा भी हम क्या सोच सकते हैं कि इसको लिम्फोमा भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर हमने क्या देखना है, एज देखनी है. ठीक है, अगर तो 60 ईयर्स ओल्ड का बूढ़ा भाभा होगा तो वी विल एक्चुअली से कि ये जो है ना लिम्फोमा हो सकता है. लेकिन टेस्टिकुलर ट्यूमर्स मैंने आपको बताए थे मोस्टली 40 ईयर्स के नीचे नीचे तक होते हैं. ठीक है, तो इस वजह से ना इस तरह से हम देखते हैं, ये बायलेटरल होते हैं, दोनों टेस्टिस को इन्वॉल्व करता है लिम्फोमा. और ये यूजली जो लार्ज बी सेल टाइप का डिफ्यूज़ होता है ना, अगर आपने हीमेटोलॉजी पढ़ी है ना, फिर आपको पता चलेगा, जब आप सारी पैथोलॉजी को पढ़ लेते हो ना, फिर सारे आपकी लिंकेज, एक वेब ऑफ लिंकेज बन जाता है, मैंने ये वहाँ पढ़ा था, ये वहाँ पढ़ा था, इस तरह से फिर मज़ा आता है स्टडी करने का. और देखो यहाँ पे क्या है, डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल टाइप का है. और हमें जब हीमाटोलॉजी में देखा था तो आई रिमेंबर कि उसमें क्या था कि बी सेल टाइप्स थी. ठीक है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में जो है बी सेल टाइप्स थी, जिसमें एक्चुअली वी वर हैविंग द स्मॉल बी सेल्स, इंटरमीडिएट बी सेल्स एंड डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल्स. ठीक है, तो अब ये जो है ये डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल का टाइप का ट्यूमर है, जो एक्चुअली फैल गया हुआ है और टेस्टिस में आ गया हुआ है, और वहाँ पे आके उसने मास क्रिएट कर दिया. ठीक है, तो ये लिम्फोमा है. उसके बाद ये आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है माइक्रोस्कोपिक अपेरेंस ऑफ द एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, और दूसरी तरफ उसकी ग्रॉस अपेरेंस दिखाई हुई है. और नीचे आपको ये सबसे पहले 14.6 में वही शेलर ड्यूअल बॉडीज दिखाई हुई हैं, विच वर सेम इन केस ऑफ फीमेल, दरमियान में ग्लोमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर लगा बड़ा हुआ है, ब्लड वेसल ग्लोमेरुला है, और इट की पोमेंस कैप्सूल लग रहा है जस्ट लाइक ग्लोमेरुला है.
ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ये कोरियोकार्सिनोमा है, दिस वन सिंस्टिट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये जो लार्ज सेल होंगे दीज आर द सिंस्टिट्रोफोब्लास्ट डिक्लेयर साइटोप्लाज्म एंड सेंट्रल न्यूक्लियस, ठीक है, दीज एक्चुअली देयर। और उसके बाद हमारे पास है क्या ये वाला, ये वाला जो होगा ना ये वाला, ये सेमिनोमास हो, सेमिनोमास कह रही हूँ, सिंस्टिट्रोफोब्लास्ट होंगे और दीज आर द साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक हो गया। बस ये याद कर लेंगे इस तरह की अपेरेंस होगी। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में हमें क्या मिल रहे होंगे, ग्लैंड्स मिल रहे होंगे इस तरह से, ठीक है। ये जो हाली स्पेसिस है ना, दीज आर एक्चुअली द ग्लैंड्स, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा में दिखाया हुआ है, दिस इज एक्चुअली द हेमरेज। हमने देखा था कि इसमें हेमरेज और नेक्रोसिस होती है, ठीक है, हेमरेज एंड नेक्रोसिस, और इर्द-गिर्द का सारा एरिया नॉर्मल है। अच्छा, ये वाला जो है, दिस वन इज़ एक्चुअली द नॉर्मल टेस्टिकल, जिसमें वी हैव दिस लिडिक सेल ट्यूमर स्ट्रोमा के अंदर, और ये अंदर सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का पार्ट है। तो प्रोस्टेट हम नेक्स्ट पार्ट से इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं।